करनाल के एक पीजी में रह रहे चार छात्रों ने अपने मित्र साहिल को करनाल पीजी में बुलाकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात शनिवार की 14 रात की बताई जा रही है। बीते शनिवार को साहिल नाम के युवक को उसके चार दोस्तों ने करनाल में बुलाकर पहले उसको नशा दिया और उसकी हत्या कर दी। रात 12 बजे साहिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक साहिल 25 साल गांव मुआना का रहने वाला था और उसके पिता मिलिट्री में सर्विस करते हैं। 5 दिनों तक फौजी किस्मत द्वारा पुलिस के चक्कर काटने के बाद आखिर हत्या का मामला दर्ज किया गया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद व जांच के बाद चार छात्रों के खिलाफ जो रात को साहिल के साथ थे उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मृतक के पिता व माता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे साहिल को करनाल पीजी में फोन कर बुलाया गया था और रात को साहिल को शराब पिलाई गई तथा उसकी हत्या की गई, जिसकी जांच होनी चाहिए। उसके पास 45,000 रुपए थे और एक आईफोन था जो गायब है। फौजी साहब, ये मामला क्या है? आपके बेटे की जो है ना हत्या की गई आप कह रहे हैं, और पीजी में क्या वहाँ पर कोई ड्रग्स माफिया रहता है? फुटेज के मुताबिक, जो फुटेज मुझे मिली है उसके मुताबिक बिल्कुल साफ जाहिर होता कि मेरे बच्चे की हत्या साजिश के तहत की गई है। ठीक है, तो कैसे हुआ मामला? कैसे लड़का आपका यहाँ कैसे आया था? मेरा लड़का मेरे पास था सहारनपुर में, दिल्ली जॉब करता हूँ, पहले एक्स आर्मी हूँ मैं, और मेरे बच्चा, इस बच्चे के साथ मेरे बच्चे की दोस्ती थी, प्रशांत नाम के बच्चे से, और प्रशांत बच्चा, मुझे लगा कि ये बच्चा गलत है, मैंने अपना बच्चा इससे दूर कर लिया। तो उस दूर करने के बाद तुरंत प्रशांत जी ये ड्रग्स केस में पंजाब पुलिस ने भी पकड़ाया। उसके बाद में इसने जैसे ही मेरे बच्चे से इसका संपर्क हुआ दोबारा से, तो इसने मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश कर करके अपने पास बुलाया। उसकी मम्मी ने भी उससे रिक्वेस्ट करी कि बच्चे दूर हो जाए, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने भी उस बच्चे से हाथ जोड़े डेथ होने से 5 दिन पहले, मैं ये मैं एक फौजी आदमी हूँ और मेरे लिए सबसे पहले देश है। प्रशांत ने इसको बच्चे को कैसे बुलाया? टेलीफोन पे बार बार फोन कर करके बुलाया। कहाँ पर ये इसको बुलाया? करनाल। अच्छा, जो कि मेरी इससे 4 दिन पहले बात हुई थी प्रशांत से। कौन सी पीजी है? डीजीपी कॉम्प्लेक्स है। कहाँ? ये करनाल में, ये मॉडल अग्रेसर, क्या अग्रेसर होटल, ग्रेस होटल के साथ। अच्छा, वहाँ पर पीजी है सर। तो रात को क्या देखा आपने, क्या सामने आया? नहीं, मैंने फुटेज के मुताबिक ये देखा कि 14 तारीख की रात, जो फुटेज है मेरे पास 14 तारीख की रात को 11:30 बजे, ये चीजें जिस हालत में उसको ले जाया जा रहा है, फुटेज को देखने के मुताबिक मुझे ये लगता है कि उसकी हत्या उसी टाइम हो चुकी थी। अच्छा, रात को उन्होंने मारा? हत्या हो चुकी थी, जो कि रूम के अंदर ले जाते हुए 11:45 बजे। कितने बच्चे हैं? मेरे एक बच्चा है। नहीं, वो कितने लोग हैं जिन्होंने मारा? उसमें तकरीबन 4 हैं, शाम के 4-5 के 14 तारीख की रात के बाद 5 हैं। हाँ, 4 हैं उसके। अच्छा, और सुबह क्या देखा? सुबह मेरे बच्चे को बुरी हालत से निकाला जा रहा है, उस टाइम 5 थे। अच्छा, मतलब ये 4-5 बंदों ने मिलके साजिश रची गई? ये साजिश रची गई है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले, और इस देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा अनुरोध है, ड्रग्स माफिया को किसी भी वजह से पक्षा नहीं जाए। और मेरे बूढ़े माँ बाप है और मेरे एक बेटी है, जो कि मैंने उसका MBBS में एडमिशन कराया, आज मेरे फादर की वो हालत है जो कि उठ नहीं सकते। मेरे फादर ने भी देश की रक्षा की है और मैंने भी देश की रक्षा करी है। इस मेरे पूरे देश से विनती है और प्रशासन से विनती है और सरकार से विनती है, मुझे न्याय मिले। क्या नाम आपका? मेरा नाम एक्स हवलदार किस्मत सिंह। कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट जींद सपीतो हरियाणा मुआना। क्या ये मामला क्या था, कैसे हादसा हुआ आपके बेटे के साथ? प्रशांत नेहरा जो गांव रोजला से है, मेरे बेटे का दोस्त था, और उसने दोस्ती थी उनकी, तो उसने बार बार साहिल को फोन करता रहा, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। मैं उसको लेके अपने घर गई थी, सहारनपुर गई हुई थी, तो उसने बार बार बोलता रहा तू वहाँ से पैसे ले और भागा। उसे थोड़े बहुत पैसे वहाँ मिल गए घर पे, उसने वहाँ से ATM उठाया, 45,000 रुपए निकाले, सामली से निकाले और प्रशांत के पास पहुँच गया, करनाल पहुँच गया पीजी। अच्छा, पीजी में जाके
वहाँ पे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो किस तरह रहे, इस चीज की मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मुझे पता चला, मैंने प्रशांत से बात की, मेरे भैया ने भी बात की जो कि खुद मैनेजर है हिंदुस्तान में, हमने उसको कहा अगर वो तेरे पास आता है तो तू उसको अपने पास नहीं रखेगा और हमें तुरंत बताएगा कि साहिल मेरे पास आया है। लेकिन उसने हमारे को कोई फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगले दिन उसने हमें सुबह फोन करके कहा कि रात साहिल ने ज्यादा पी ली और वो नहीं रहा, और वो उसको बोला कि मैंने तो उसकी ECG भी कराई थी हॉस्पिटल में और वहाँ छोड़ के भाग गया, जबकि वो रात को ही डेड हो चुका था। नशा वगैरह करते थे ये सारे? वो सब करते थे, पर साहिल दारू नहीं पीता था, साहिल नहीं पीता था बिल्कुल भी। अब उन्होंने उसके साथ क्या किया ये मुझे नहीं मालूम। उसने हमें उसके डेड होने पे फोन किया, जबकि जो फुटेज हमारे पास आए हैं वो सब रात के हैं। तो ना हमें वो पैसे मिले 45,000 रुपए, ना उसका फोन मिला जो कि 20,000 का था, रेडमी नोट प्रो जो भी नया मार्केट में आया, हमें कुछ नहीं मिला उसके पास से। तो इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी प्रशांत है। मैं प्रशांत और उसके फ्रेंड्स के ऊपर पूरा क्लियर बिल्कुल, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुराधा है। आप क्या लगते हैं उसको? मैं साहिल की मम्मी हूँ। साहिल है पीजी में, उसकी डेथ हुई है, तो ये क्या मामला है कि वो दर्ज किया? ये मामला 3 दिन पहले का है। ये लड़का यहाँ पे जिन बच्चों पे आरोप है उनके पास 3-4 दिन पहले आया हुआ था, और इसकी असामान्य हालात में मौत हो गई थी, तो जिस पर इसके पेरेंट्स को बुलाया गया था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलते ही इसके पेरेंट्स आए थे, और इसके पिताजी द्वारा लिखित तौर पर दिया गया था पुलिस को कि जी मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, और जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी कॉज ऑफ डेथ आएगा मैं उसके हिसाब से कार्रवाई कराना चाहूँगा। तो पहले दिन इन्होंने ये बयान दिया था, दूसरे दिन फिर इन्होंने दोबारा पेश होकर कहा कि जी हमें डाउट है, हमें पूरा डाउट नहीं पूरा पूरा शक है कि मेरे बच्चे को जो साथ रहने वाले 4 लड़के हैं उन्होंने मारा है। तो उसके आधार पर अभी प्राइमरी तौर पे हमने FIR। तो कहते मैं फौजी हूँ, मुझे जो है न्याय चाहिए और उनके खिलाफ जो है ना मामला दर्ज करना चाहिए। तो मामला उसमें कौन सी धाराओं में दर्ज किया? धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है, और जो भी सबूत आरोपियों के खिलाफ गुजरेंगे हम उनको कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ किया? अभी 4 लोगों के खिलाफ। स्टूडेंट? हाँ जी, 4 स्टूडेंट।